अरे क्या तुम्हें पता है इसका ड्रैगनाइट जो है फीमेल है, अभी कंफर्म हो चुका है 100%। कुछ ऐसे ही 100% यार डिटेल तुम्हें बताने वाला हूँ जो कि यार तुमको नहीं पता पोकेमोन के लेटेस्ट एपिसोड से, सेमीफाइनल पार्ट 1 से। और क्या तुम्हें ये बात पता है, एक टेक्निकली देखा जाए तो यार लियोन का स्ट्रोंगेस्ट पोकेमोन जो है उसका चाइजार्ड नहीं है, कोई और पोकेमोन है। और यार एलान और डायनथा में एलान ज़्यादा पावरफुल है। बहुत सारे हिडन डिटेल्स है जो कि तुम्हें बतानी है, तो मैं आ चुका हूँ ना। और धोखा मत दो, सब्सक्राइब करो, शुरू करते हैं। सबसे पहली डिटेल, डायनथा जो है पहली बार हमको हारते हुए दिखाई गई है ऑन स्क्रीन। यानी कि यार एपिसोड 121 तक यार डायनथा जो थी अनडिफीटेबल थी लाइक लियोन। लेकिन लियोन ने बोला ये टाइटल सिर्फ मेरा है, तू कैसे ले सकती है, अभी तेरे को हराता हूँ। और डायनथा हार गई। लियोन ने एक बार फिर से केलोस के ट्रेनर की धज्जियां उड़ा दी, बता रहा हूँ मैं। फैक्ट नंबर 2, यहाँ पे हमको डायनथा का जो पोकेमोन देखने को मिला टायंट्रम, उसको 321 एपिसोड के बाद हमको दोबारा पोकेमोन एनिमे फ्रेंचाइज के अंदर दिखाया गया। आखिरी बार हमने इसको देखा था द टाइनी केयर टेकर वाले एपिसोड के अंदर, जो कि एक अच्छी डिटेल थी, मैंने तुम्हें बता दी है। अगली डिटेल, तुम्हें लगता होगा लियोन का सबसे पावरफुल पोकेमोन जो है चाइजार्ड है, अजी घंटा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है इसका ग्लार का ग्रास टाइप स्टार्टर पोकेमोन रिलाइबूम पोकेमोन। अरे भाई इस पोकेमोन ने द चैंपियन डायनथा, केलोस की चैंपियन डायनथा के 4 सबसे ओपी पोकेमोन को हरा दिया। इसने टायंट्रम को हरा दिया, इसने ओरस पोकेमोन को हरा दिया, अरे भाई इसने इस पंपकिन को हरा दिया बे, इसने लेंस के गैडोस को हराया हुआ है, इसको कैसे हरा दिया यार। और इसने गूड्रा को भी हरा दिया है, मतलब भाई ये ग्रास टाइप स्टार्टर पोकेमोन है या फिर लेजेंडरी। लेजेंडरी पोकेमोन भी इतने पोकेमोन को नहीं हरा पाते, बता रहा हूं मैं। इस पोकेमोन को तो भाई यार एलान ने हरा दिया था बे, वो भी उस टाइम तो भाई लियोन ने उसको जाइगंटा मैस किया था, मतलब सेंस लॉजिक गया भाड़ में। और तुम बता रहे हो कि भाई ऑफ स्क्रीन बैटल हो गया, मान के चलो इसने हराया है, मतलब तुम तो यार ऐसे बता रहे हो कि तुमको मानना पड़ेगा, फैंस के ऊपर तुम प्रेशर डाल रहे हो, इसने हराया है नहीं मानोगे पर मानना पड़ेगा। अरे भाई गजब बात हो गई, इस पोकेमोन को एलान ने हरा दिया था, डेट्स मीन समझ रहे हो ना, इन डायनथा के 4 पोकेमोन से ज़्यादा पावरफुल एलान का ग्रास टाइप पोकेमोन केलोस वाला बंदा है। मतलब केलोस का ग्रास टाइप शटर पोकेमोन जो है ना एलान का, इन 4 बेकार पोकेमोन से ज़्यादा पावरफुल है। सोच सकते हो पावर डायनेमिक गई तेल लेने, मतलब घंटा लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बता रहा हूँ मैं। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था मुकाबले को देखकर तुम्हारा दिमाग जो है घूमने वाला है, मतलब यार दिखा रहे हो लियोन को पावरफुल शो करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट थोड़ा बिलीवेबल बताओ यार, हमको यकीन हो जाए हाँ भाई लियोन हरा सकता है। तुम यार 2 पोकेमोन को यार बोल देते कि भाई हाँ रिलेबूम में हराया, 2 पोकेमोन को बोल देते भाई ड्रैगापुल ने हराया, और बाकी बचे जो 3 पोकेमोन है उनको चाइजार्ड हरा सकता था। लेकिन ना तुमको इस पोकेमोन को पावरफुल दिखाना है, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, बोलने को मेरे पास शब्द नहीं रह चुके हैं। पावर डायनेमिक को तुमने बिल्कुल इधर उधर कर दिया है। अब तुम क्या कहना चाहते हो कि यहाँ पे जो हमारा पोकेमोन दिखाया गया है ना, ये रिलायबूम पोकेमोन, ये 4 पोकेमोन को हरा रहा है, और इसमें एक पोकेमोन है ये गोर्गिस पोकेमोन, जिसने यार हरा रखा है अपने लेंस के गैडोस पोकेमोन को, और लेंस के गैडोस ने नेक्टून एक कॉम्पिटिशन दिया था अपने क्या बोले लियोन के चाइजार्ड से। तो डेट्स मीन इनडायरेक्टली तुम तो यही बोल रहे हो ना कि पोकेमोन जो है ना रिलायबूम पोकेमोन, वो यार लियोन के चाइजार्ड से ज़्यादा पावरफुल है। मतलब यार पावर डायनेमिक कतई घटिया है, बता रहा हूँ मैं, कतई नॉनसेंस, मतलब डिजास्टर एपिसोड है। मैं क्या बोलूँ, बैटल तो एक नंबर का घटिया था, पर दूसरी चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। लाइक यार सिंथिया का चाइल्डहुड जो था 10 out of 10 था। हम सिंथिया को बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन सिंथिया के बचपन में क्या हो रहा है हमको पता नहीं है। लेकिन हमको यहाँ पे दिखाया गया सिंथिया किस तरीके से उसको एक मिला, उसने उसका टेक केयर किया, डेट्स वाई गार्डजोंब और सिंथिया की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट हाँ यहाँ पे बैटल काफ़ी बेकार थी, पावर डायनेमिक काफ़ी बेकार थी, यहाँ पे कोई लॉजिक है ही नहीं। मैं तुम्हें बताऊँ कि यार डायनथा क्यों हारी, मैं एक बार बोल सकता हूँ डायनथा इसलिए हारी बिकॉज राइटर चाहते थे इसमें लियोन ने ना कोई स्ट्रेटेजी लगाई, और तुम लियोन को हराते हुए दिखाना चाहते थे ना डायनथा को, तुम स्ट्रेटेजी लगा सकते थे, गेम स्ट्रेटेजी हो गई। भाई यार डायनथा ने कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी लगाई थी लेंस वाले मुकाबले के अंदर, बता रहा हूँ मेरा दिमाग जो है आज खराब हो चुका है। एलान वाले मुकाबले में दिमाग खराब हुआ था, पर मैं जानता था हाँ भाई यार एलान एक चैंपियन लेवल ट्रेनर नहीं है, उसकी डिसरेस्पेक्ट हुई बुरा हुआ, लेकिन यहाँ पर डायनथा की डिसरेस्पेक्ट हुई मैं कतई सहन नहीं कर सकता।
लेकिन लेकिन जितना मेरा गुस्सा था लाइबूम को लेकर, ये पागल पोकेमोन, गधा पोकेमोन, इन चार पोकेमोन को कैसे हरा सकता है। ये मेरी लगभग टेंशन जो है फिनाले मुकाबले में थोड़ा सा मतलब सही हो गया, जब यार जायगाना में चाइजार्ड और अपना डायंथा का जो पोकेमोन था ना, मेरा गार्ड वाइज पोकेमोन आमने सामने आया। बता रहा हूँ, डायंथा गार्ड वाइज पोकेमोन के लिए रेस्पेक्ट जो है और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिस तरीके से जो एक्शन सीन दिखाया ना फाइनल वाला, मतलब यार एक पल के लिए जो लियोन के चेहरे पर भी यार मतलब टेंशन आ गई थी। बता रहा हूँ, इस बंदे ने जानबूझ के तीन ही पोकेमोन को लाया है। इसको लग रहा था भाई चांस, अगर डायंथा मेरे चाइजार्ड को हरा देती है तो मैं तो पोकेमोन एनिमे सीरीज से बाहर हो जाऊंगा बे, बिकॉज मैं ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ तीन पोकेमोन लेकर आया हूँ। डेट्स मीन डायंथा गार्ड वाइज पोकेमोन को थोड़ी सी और ट्रेनिंग मिलती तो आई थिंक वो चाइजार्ड को भी हरा देती, बिकॉज जो लास्ट में उसने हमला किया, आई हाय लियोन के चेहरे पर टेंशन आ गई ना, इसका मतलब डायंथा काफी पावरफुल है। प्लस हमको यहाँ पे अपनी सिंथिया जो थी वो गार्ड जोम के ऊपर मसाज करती हुई दिखाई जा रही थी। बता रहा हूँ, कुछ सिंपल लोग बोल रहे होंगे काश गार्ड जोम कितना लकी है, गार्ड जोम की जगह हम होते कैसी बात करते हो, मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है सिंथिया कितनी पतली हो चुकी है बे, मतलब देखो खाती पीती नहीं हो क्या, खाया करो, पतली हो चुकी हो। मैं बोलना चाहूंगा कि पूरे पूरे एपिसोड में एक ही बात सबसे घटिया थी कि यहाँ पे ये दो छोटे बच्चे पूरे एपिसोड को बिगाड़ दिया। बट मैं ये बोलना चाहूंगा, जो जो एनिमेशन पे खर्चा था ना पोकेमोन वालों ने, गार्ड वाइज पोकेमोन और चार्जर की बैटल पे लगा दिया, बट इस एपिसोड में हमको यार सिंथिया और एस का इंटरेक्शन देखने को मिल गया, ताकि आगे आने वाले जो चार एपिसोड है ना, तीन जो एपिसोड है सेमीफाइनल्स वाले, वो बेहतरीन, मजेदार, फंटेस्टिक होंगे। मतलब मास्टर जो है अभी शुरू नहीं हुआ है, अबे भाई शुरू होगा ना नेक टू नेक कॉम्पिटिशन, सिंथिया वर्सेज एस केचम अब शुरू होने वाला है, मजा तो अब आने वाला है। दो बैटल बचे हुए हैं, सिंथिया वर्सेज एस केचम और एस वर्सेज लियोन। इनमें भाई मैं बता रहा हूँ, तुम बोलोगे भाई ये होता है मास्टर टूर्नामेंट, ये सब तो यार पोकेमोन वाले ऐसे ही हमारे मजे ले रहे थे, असली मजा असली चैलेंज अब शुरू होने वाला है। सिंथिया और एस के बाद में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो कि एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करती है, वो तो मैं सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन लियोन वर्सेज डायंथा का मुकाबला कैसे पे ऑफ हुआ, बिकॉज सब हमको ऑफ स्क्रीन दिखाया गया, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ मुकाबला कैसे पे ऑफ किया गया होगा। सबसे पहले यार लियोन ने भेजा ड्रैगापुल्ट पोकेमोन को, डायंथा ने भेजा हालूचा पोकेमोन को, और यार ड्रैगापुल्ट पोकेमोन आया और उसने हालूचा को हरा दिया। फिर डायंथा ने भेजा टाइंड्रम पोकेमोन को, और टाइंड्रम पोकेमोन ने ड्रैगापुल्ट को हरा दिया। फिर आया रिलाइबूम पोकेमोन, द तबाही पोकेमोन, द गधा पोकेमोन, जिसने यार अपने डायंथा के टाइंड्रम को हरा दिया, ओरस को हरा दिया, गोर्गिस को हरा दिया, और गुड्रा को हराया हमने देखा। फिर डायबूम पोकेमोन को मेगा गार्ड वाइज पोकेमोन ने हरा दिया। फिर चाइजार्ड आया और डायंथा को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरीके से जो ये मुकाबला जो था ना हमको दिखाया गया, जो कि अच्छी बात है। एंड सबसे अच्छी बात तो यहाँ पे यही है, सबसे अच्छा फैक्ट यहाँ पे यही है, मैंने तुम्हें वीडियो स्टार्टिंग बताया था ड्रैगनाइट एक फीमेल पोकेमोन है। एंड और भी बहुत सारे फैक्ट बाकी है, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो सब्सक्राइब कर देना पोकेविज का आंसर दो।